हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर तारिका शर्मा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल साइकोलॉजी बाय तारिका आई होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एट योर होम इन आर प्रीवियस वीडियोस वी हैव टॉक्ट अबाउट व्हाट इज साइकोलॉजी इट्स डेफिनेशन इट्स इमरजेंस एंड गोल्स ऑफ साइकोलॉजी तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें उनका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के टॉपिक में इंक्लूड होता है एंड एज आई ऑलवेज से विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स लर्न नाउ डिलेट्स ऑफ साइकोलॉजी वॉट डू वी मीन बाय द टर्म स्कूल ये स्कूल कहां पर हैं राइट तो चलिए पता करते हैं एज यू कैन सी दैट आई हैव ऑन ब्लैक बोर्ड दैट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी रेफर टू द ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैविंग सिमिलर व्यू पॉइंट्स और सिमिलर अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर नाउ एज यू ऑल नो दैट फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस वी हैव लर्न दिस थिंग द साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस और प्रिमेटिव डेफिनेशन की बात करें तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड कहा जाता था तो जब साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की फॉर्म में स्टेब्लिश हुआ तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उनके बीच में क्वेश्चन अराइज हुआ कि साइकोलॉजी एक्चुअली में क्या स्टडी करे या ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए या एरिया ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए उसे ह्यूमन माइंड के कौन से क्राइटेरिया को स्टडी करना है कुछ लोगों ने कहा कि साइकोलॉजी माइंड को इस क्राइटेरिया पे स्टडी करे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि माइंड नहीं साइकोलॉजी बिहेवियर को स्टडी करे और इसका आउटकम क्या निकला कि मल्टीपल व्यू पॉइंट जनरेट हो गए वो साइकोलॉजिस्ट जो सिमिलर व्यू पॉइंट होल्ड करते थे वो एक साथ क्लब हो गए और उस ग्रुप को स्कूल कहा जाने लगा और इस तरीके से साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स जो थे उनका डेवलपमेंट हुआ अभी स्कूल्स का मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक कॉन्क्रीट बिल्डिंग है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर लोकेटेड है नहीं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो किसी भी एरिया में हो सकते हैं किसी डिफरेंट कंट्री में हो सकते हैं बट जब वो साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं तो वो जिस नोशन को लेके साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं वो नोशन उन सब साइकोलॉजिस्ट का ऑल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज सेम रहता था तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया हो गया कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है और अब देखते हैं कि वो कौन से मेजर स्कूल्स हैं जो डेवलप हुए एज यू कैन सी दैट आई हैव मैंशन मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म गेस्टॉल्ट बिहेवियरिज्म साइकोनालिसिस एंड ह्यूमैनिस्टिक अब ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी में सिर्फ यही छः स्कूल्स हैं जैसे जैसे साइकोलॉजी के अंदर और लोग जुड़ते चले गए साइकोलॉजी का फील्ड एक्सपेंड होता चला गया और नए नए व्यू पॉइंट्स आए जिससे साइकोलॉजी में मॉडर्न स्कूल्स या मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स भी डेवलप हुए लेकिन साइकोलॉजी की फाउंडेशन जो है वो इन स्कूल्स के ऊपर ही बेस्ड है और इन स्कूल्स ने साइकोलॉजी के फील्ड में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिए हैं इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे भी हैं जिनसे नए मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स का डेवलपमेंट हुआ है आज के वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म तो चलिए पता करते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म इन डिटेल इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लिएस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी नाउ हु फाउंडर लेट्स ब्लैक बोर्ड इट वॉज फाउंड बाय इन जर्मनी Now you know who Wilhelm Wundt was. He was the person who established the first psychological laboratory where at Leipzig University in Germany. And he is considered as the father of psychology and he called himself the first psychologist. Though structuralism started in Germany, but the term structuralism was coined by his disciple Edward B. Tichner. जी एडवर्ड बी टिचनर को ही सारा क्रेडिट जाता है स्ट्रक्चरलिज्म को एक स्कूल के रूप में स्टैब्लिश करने का एंड ही स्टैब्लिश दिस स्कूल वेयर एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी यू एस ए स्टूडेंट यू मस्ट मेक अ मेंटल नोट ऑफ दीज नेम्स एंड दीज प्लेसिस बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आते हैं तब इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं नाउ लेट्स मूव अहे टू द थीम ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म तो स्ट्रक्चरलिस्ट ने कहा कि साइकोलॉजी शुड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कॉन्शियस एक्सपीरियंस सो बेसिकली कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हमारी अवेयरनेस होती है ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स या हम कह सकते हैं हमारे इमीडिएट मेंटल एक्सपीरियंसिस वे कहा कि माइंड को हम स्टडी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज मेंटल एक्सपीरियंसेस जो ब्रेक हो सकते हैं फर्दर बहुत छोटी छोटी यूनिट्स में थॉट्स सेंसेशंस इमेजेस एंड इमोशंस और अगर हम इन यूनिट्स का एनालिसिस कर लेते हैं तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हमारी लाइफ में हम बहुत सारे एक्वायर करते हैं और इन एक्सपीरियंसिस का एक्मलेशन ही हमारे माइंड में इंक्लूड होता है नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजिस कि माइंड को स्टडी कैसे किया जाए और यहाँ पर रोल आता है वो मैथड जो स्ट्रक्चरलिस्ट ने दिया स्ट्रक्चरलिस्ट हैज़ गिवन द मैथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मैथड ऑफ साइकोलॉजी वट डज इंट्रोस्पेक्शन मीन इंट्रोस्पेक्शन सिंपली मीन्स लुकिंग इन टू वन माइंड और शैलाइ से इनर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन माइंड तो बेसिकली किसी के मन की बात को जानना या किसी के थॉट्स को जानना अब वुंट ने यह कहा कि ह्यूमन बींग्स को बहुत ऑब्जेक्टिवली अपने थाट्स को रिपोर्ट करना चाहिए और यही वो पॉइंट था जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड को इतना ज़्यादा फेवरेबली नहीं लिया गया क्योंकि कोई पर्सन अपने थॉट्स को हमें करेक्टली बता रहा है या नहीं या एक्चुअल में वो उस मोमेंट जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है क्या वो चीज़ वो सच में हमें बता पा रहा है उस पर हमेशा एक डाउट रहेगा बिकॉज वहाँ पर एक एरर है और वो एरर होता है सब्जेक्टिविटी का इट मीन्स हो सकता है कि पर्सन अपने थाट्स को ट्विस्ट करके हमें बताए सो दैट्स वाई इट्स वेरी हार्ड टू नो दैट वॉट्स गोइंग इन द माइंड ऑफ सम वन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेलिवेंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन द प्रेजेंट टाइम तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म आज एक मेजर पर्स्पेक्टिव की जैसे एक्जिस्ट नहीं करता ये स्कूल नाइनटीन सेंचुरी के बिगनिंग में ही डिसअपियर हो गया था Because there was a kind of clash between these structuralists regarding that what element of experience one must study. And gradually after the death of Titchener, it almost disappeared entirely. And that's all about structuralism. I hope you find this video informative. If so, then do like this video and do not forget to subscribe my channel. I'll keep bringing more informative videos for you. Till then, stay home, stay safe. Take care. Thank you so much.